बोरुंदा थाना हल्का में पिछले दो सप्ताह में करीब 100 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमण से दो लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए बोरुंदा पुलिस थाना द्वारा सख्ताई बरती जा रही है। वहीं रोजाना कोरोना के संबंध में चालान काट कर वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। बिना वजह घूमने फिरने वालों को डांट फटकार लगाई जा रही है। हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा भी जा रहा है तथा जुर्माना वसूल कर वाहन सीज कर पैदल घर भेजा जा रहा है। थानाधिकारी चैन प्रकाश चौधरी ने बताया कि बोरुंदा में रात को खुली मिली एक किराने की दुकान को सील किया गया है। वहीं प्रशासन को बिना सूचना दिए आयोजित किए जा रहे विवाह आयोजकों के खिलाफ जुर्माने की रसीदें काट कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। चौकड़ी खुर्द तथा बोरुंदा में विवाह आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सभी विवाह स्थलों का निरीक्षण बीट कांस्टेबल, बीट प्रभारी, ड्यूटी ऑफिसर, थानाधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ द्वारा बारी बारी से किया जा रहा है। टेंट वालों, हलवाइयों तथा निर्धारित संख्या से अधिक भाग लेने वाले लोगों के खिलाफ भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सकती है। बोरुंदा पुलिस थाना द्वारा पिछले दो सप्ताह में अब तक लगभग 50,000 रूपए का जुर्माना किया जा चुका है। थानाधिकारी चैन प्रकाश चौधरी ने अनुशासित नागरिक बनने व पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा सख्ताई बरती जा रही है। प्रतिदिन कोरोना के संबंध में चालान काटे जा रहे हैं तथा वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। बिना वजह घूमने फिरने वालों को डांट फटकार लगाई जा रही है और उन्हें खदेड़ा जा रहा है तथा कुछ न कुछ जुर्माना किया जा रहा है और वाहन भी सीज किए जा रहे हैं। गैर अनुमत समय में खुली मिली दुकानों को हम सील कर रहे हैं। प्रशासन को सूचना दिए बिना आयोजित होने वाले विवाह समारोह के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा भारी जुर्माना राशि दे काटी जा रही है। सभी विवाह स्थलों का निरीक्षण बीट कांस्टेबल, बीट प्रभारी, थानाधिकारी तथा ड्यूटी ऑफिसर द्वारा बारी बारी से किया जा रहा है। विवाह आयोजकों से अपील है कि आप कोरोना महामारी के इस प्रकोप को देखते हुए सरकारी दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करें, वरना जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने, महामारी फैलाने और सरकारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने तथा कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में आपके खिलाफ महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ये समय मानव जीवन बचाने का है। आप घरों से बाहर तभी निकले जब अति आवश्यक हो, एमरजेंसी हो। अगर कोई दुकान जिसे खोलने की छूट नहीं है और गैर अनुमत समय में कोई दुकान प्रतिष्ठान खुला पाया जाता है तो उसे सील किया जाकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिले की बॉर्डर पर भी नाकाबंदी चल रही है, बसों की भी चेकिंग की जा रही है। लिहाजा आप अनावश्यक यात्रा नहीं करें ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बोरुंदा पुलिस थाना द्वारा पिछले दो सप्ताह में अब तक लगभग 50,000 रुपये का जुर्माना किया जा चुका है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग प्रशासन का सहयोग करें, आत्म अनुशासन और संयम बरतते हुए अपने घरों के भीतर बने रहें ताकि हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी से लड़ सकें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।